वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज मैं बात कर रहा हूँ लीफ स्प्रिंग की, और इसके लिए जो आपका डिफ्लेक्शन निकलेगा वो फाइंड आउट करेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन कितना निकलेगा। और उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लीफ स्प्रिंग को शो कर रखा है। आप सभी ने ये अपने जितने भी ट्रक्स वगैरह होते हैं उसके नीचे एक्सल के ऊपर जो व्हील लगा होता है वहाँ पर लगी रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका डब्ल्यू लोड इस तरीके से लगा होता है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करती है। तो आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मिड स्पैन में अगर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है तो उसकी रिएक्शंस कितनी कितनी आती हैं, W/2 और W/2। इसके बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मेरी SFD BMD वाली वीडियोज जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे निकालना है कि इसके अंदर इसका कितना मूवमेंट निकलेगा, कि मैक्सिमम मूवमेंट कितना है, तो देख लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैपिटल M इज इक्वल कितना निकलेगा इसके लिए, W/L/4। आप निकाल भी सकते हो हाफ स्पैन पे कितना होगा यहाँ से रिएक्शन, W/L/4 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसके बाद वी नो दैट बेंडिंग इक्वेशन, एक्चुअली मैं यहाँ पे कंपेयर दोनों की वैल्यूज को पुट करूंगा, और यहाँ से जो इसकी स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो देखनी है मुझे, कि टोटल इसकी मूवमेंट की वैल्यू कितनी है वो मुझे पता लगाना है। तो देख लेते हैं कितनी आएगी, M/I σ/Y। तो आपको देखना होगा ऐसे एम की वैल्यू कितनी निकलेगी, कि मूवमेंट इज इक्वल σ×I/Y। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका क्रॉस सेक्शन एरिया शो कर रखा है इसका, कि इसकी थिकनेस आपकी टी है और इसकी विड्थ कितनी है आपकी बी। जैसे लिख रखा है कि जो आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट्स कितनी है आपकी स्मॉल टी है, और जो विड्थ है इसकी कितनी थी है बी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, BT³/12, कितना होगा BT³/12। और वाई की वैल्यू कितनी होगी आपके इस पास, T/2। तो लिख देता हूँ यहाँ पे आप ध्यान से, BT³/12 × T/2। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी एक प्लेट के लिए मोमेंट की, देख लीजिए, σ×B(T²/6)। ये किसके लिए निकली, एक प्लेट के लिए निकली। अगर मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, यहाँ पे n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल बेंडिंग मोमेंट, इसको इक्वेशन नंबर अपन लिख लीजिएगा, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर टोटल प्लेट्स, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक के लिए इतना है तो एन के लिए कितना हो जाएगा, σ×B(T²/N/6), इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी मेरा बेंडिंग मोमेंट है, ये भी मेरा बेंडिंग मोमेंट है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू। तो देख लेते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फटाफट से, कि फर्स्ट वन इक्वेशन से एम की वैल्यू W/L/4 आई थी, और दूसरी इक्वेशन से कितनी आई थी आपके सामने, जस्ट अ मिनट, पहले इक्वेशन से कितनी आई थी, एम इज इक्वल W/L/4, और दूसरी वाले इक्वेशन से कितना निकल के आई थी आपके सामने, σ×B(T²/6)×N, ये निकल के आई थी मेरे सामने। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू आई थी, देख लीजिए, σ×B(T²/6) इज इक्वल W×L/4। तो सिग्मा इज इक्वल, देखिए 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3/2 आ जाएगा, W×L हो जाएगा ओवर, यहाँ पे N और है, यहाँ कितना बचेगा आपका BT²×N, कितना आएगा BT²×N। तो आपके पास कितनी वैल्यू बची आएगी पूरी नंबर, सिग्मा इज इक्वल 3/2 W×L ओवर BT²×N। ये मेरी स्ट्रेस की वैल्यू आई किसके अंदर, लीफ स्प्रिंग के अंदर, लीफ स्प्रिंग के अंदर क्या है ये मेरी स्ट्रेस, वो भी कौन सी वाली, बेंडिंग स्ट्रेस। इसके बाद अगर मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है इसके लिए, मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके लिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो एक फॉर्मूला होता है मेरा, कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल L²/8R। कि जो मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है
उसके लिए फॉर्मूला निकाला जाता है। अगर आपको ये पता नहीं है कैसे निकालना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका भी डेरिवेशन कर दूंगा कि इसका डेरिवेशन है जब ये निकल के आता है। अगर आप एग्जाम के अंदर लीफ स्प्रिंग के लिए डिफ्लेक्शन निकालते हो तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बेंडिंग क्वेश्चन निकाली थी वो लिख लेते हैं, आते हैं एम ओवर आई सिग्मा ओवर बाई ई ओवर आर। और यहाँ पे मेरे को सेकंड और थर्ड वाले पार्ट यूज करने हैं क्योंकि मुझे रेडियस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यूज करना है और यंग मॉडुलस है वो यूज करना है। तो मैं सेकंड और थर्ड वाले पार्ट को यूज कर लेता हूँ और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मेरी सिग्मा की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि कितनी आएगी। फिर मैं कंपेयर कर लूँगा दोनों को तो मेरा डिफ्लेक्शन निकल आएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा धीरे धीरे आराम आराम से, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पुट करनी है जब डिफ्लेक्शन निकलेगा। तो देख लीजिए सिग्मा ओवर बाई ई ओवर आर, आर को मैं इधर ले जाता हूँ तो कितना आएगा ई ओवर सिग्मा ओवर बाई। सिग्मा की वैल्यू है पर मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ पहले, एल स्क्वेयर ओवर 8 × r। आर की वैल्यू मेरी ई इंटू सिग्मा इंटू बाई, ई इंटू सिग्मा इंटू बाई। तो एल स्क्वायर इंटू सिग्मा की वैल्यू मेरी कितनी, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए इसको, 3/2 डब्ल्यू इंटू एल बी टी स्क्वायर इंटू एन। ये मेरी कहाँ तक की आ गई, देखिए एल स्क्वायर आ गया मेरा, सिग्मा की वैल्यू आ गई और नीचे मेरा क्या है 8 और एक और क्या है मेरा ई। ये मेरी सारी चीज़ें कंप्लीटेड हो गई। अब इसके बाद मेरा बाई बचता है, बाई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, T/2 कितनी थी मेरे पास, T/2। तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद मेरे पास पूरा कॉमन रिजल्ट निकल आएगा कि मेरा कितना रिजल्ट है। तो देख लेते हैं फटाफट से, देखिए एक एल ये है एक एल ये, तो L³ हो जाएगा इसका, डब्ल्यू है और थ्री है, थ्री कोई सी किसी चीज़ से कट नहीं सकता तो ये ऐसे के ऐसा रहेगा। तो कितना आएगा देख लीजिए, 3 × W(L³), इसके बाद में आप नीचे आइए कितना आएगा 8 × 16 × 2 कितना आया 16 × 32, इसके बाद कितना है B×T²(N×E)। ये आपके सामने एक्सप्रेशन आएगा, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, वो देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो गई थी। कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सिग्मा को नीचे ले आया था और बाई को ऊपर जाना था, ये बाई ऊपर नहीं गया था नीचे लिख लिया था, तो मैंने बाई ऊपर की तरफ ले गया। अब बाई ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो आपके सामने एक्सप्रेशन में जो बाई होगा वो नीचे की तरफ आएगा, कहाँ पे आएगा नीचे की तरफ आएगा। तो ये टी है वो चेंज हो जाएगा, वो 2 ऊपर आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे आपका 62 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टी आपका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन निकलेगा 3/8 W×L³/BTQ×N×E। ये आपका डिफ्लेक्शन निकल गया है इसके लिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो देखनी है। और आपके पास एक्सप्रेशन कितना निकल गया, 3W³/8 BTQ×N, ये आपके पास डिफ्लेक्शन निकल गया है इसके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वाकई में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।